जिला हमीरपुर के दक्षिण में सीमा पर स्थित धौलगिरी पर्वत शिखर पर स्थित बाबा बालकनाथ का दिव्य पावन स्थल है। बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। जैन श्रुति के अनुसार जब ऋषि व्यास के पुत्र सुखदेव का जन्म हुआ था तो उसी समय 84 सिद्धों ने भी विभिन्न स्थानों पर जन्म लिया, जिसमें बाबा बालकनाथ एक थे। बाबा मूल रूप से बाल योगी हैं तथा दत्तेश्वर के शिष्य थे। बाबा बालकनाथ का सिद्ध रूप से जन्म लेने का रत्नाक शिव भगवान की अमर कथा के साथ ही जुड़ा हुआ है। बाबा बालकनाथ के चैत्र मास मेलों का आयोजन हर वर्ष 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक किया जाता है। उत्तरी भारत के विश्व विख्यात सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में वैसे तो सारा साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, चैत्र मास मेलों के दौरान भी बाबा के दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मन की मुरादें पूरी करते हैं। मेलों की शुरुआत कब हुई इस बारे में कोई वैदिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन विद्वानों के मुताबिक कुछ लोगों ने इस पुण्य संक्रांति को बाल योगी बाबा बालकनाथ का जन्मदिन बताया है, तो कुछ लोगों ने माता रत्नों के साथ 12 वर्ष का समय बिताने के बाद सिद्धयोगी बाबा बालकनाथ धौलगिरी पर्वत के उच्च शिखर में प्रविष्ट होकर दिद्योट नामक राक्षस की गुफा में इसी रोज प्रकट हुए थे। अतः बाबा के प्रकट दिवस के रूप में मानने वाले इसी दिन को मेले की शुरुआत मानते हैं। चैत मास के मेलों का अपना महत्व है। इन मेलों में अगर सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक बाबा बालकनाथ की पूजा अर्चना व हवन डाला जाए तो सिद्ध बाल योगी साक्षात दर्शन देते हैं। पंजाब और हरियाणा से आए हुए श्रद्धालुओं का कहना है कि साल में कई बार बाबा के दरबार पहुँचते हैं और यहाँ आकर मन की मुरादें पूरी होती हैं। साल बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं। हमारे घर में हर साल भंडारा होता है और हम अगले दिन इसीलिए बाबा जी ने इतना कुछ दिया है कि हम उनके बारे में जो भी बोले वो कम है। हम उनकी तारीफ में मतलब जो भी कहे ना वो कम है। यही गद्दी सुभाष चंद्र छियाटे तो आए हैं। सुभाष चंद्र बाबा जी की गद्दी है। अभी अज तो 35-36 साल तो हर साल बाबा जी का संग लैके बाबा जी की गुफा से आई जाए। इस वे भी साढ़े 100 के करीब है लेडीज और जेंट्स संघ जो साढ़े नाल बाबा जी के संघ लैके आए हुए हैं। जी संगत आती है जिंकी मनोकामना बाबा जी हर तरह पूरी करते हैं। बाबा जी तो जो मंगी उ मिलता है। बाबा जी बड़े बयान से आए हुए इसलिए हर साल ही कई हर साल जो दो बार भी आई गए संघ लैके बाबा जी की बहुत कृपा है। ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਪੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਘਰ ਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਹਾਂ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ बाबा जी के दरबार में आता है उसकी जब श्रद्धा पूरी होती है तो दंडवत होता हुआ मंदिर के द्वार तक तो गुफा तक पहुंचते हैं। हर साल पंजाब विचों बाबा जी के दर्शन वास्ते इतने आईदा और सारे परिवार को नाल लेके आईदा। वैसे असं पहला चैत्र मास के एक बार मत्था टेक गए हैं पर परिवार ने फिर इच्छा की है कि हुण इस महीने भी असं बाबा जी का मत्था टेकन जाना है। तो अज मैं अपने परिवार समेत बाबा जी के दर्शन वास्ते लेके आए हैं और बाबा जी के दर्शन करके असी बहुत खुश होंगे तो साढ़े जोड़े मन दिया मुरादा पूरी होंगे। इस करके असी सारे परिवार इतने हर साल बाबा जी के दर्शन करने वास्ते आने। वहीं पुजारी का कहना है कि बाबा सदियों से पहाड़ी पर विराजमान हैं और बाबा के बारे में कई कथा भी सुनी जाती हैं जिससे बाबा के प्रति लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 12 साल सात लाई में तप किया, माता रत्नों की गाय चराई और जब टाइम पूरा हो गया तो बाबा जी इस पहाड़ी के ऊपर आए मूर्ति सवार और अपने चरणों के निशान इधर लगाए
और उसके बाद गुफा में गई बाबा जी। तो ये प्रसिद्ध विश्व शक्ति पीठ बाबा बालकनाथ जी की चरण पादुका से के नाम से प्रसिद्ध है और मेन मंदिर गुफा नीचे है और ये शिव जी का मंदिर है इधर और बगल में बाबा जी के गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर है। गुजरात में हुआ है और फिर इन्होंने जूनागढ़ में भक्ति की, उसके बाद फिर पिछले जन्म का लेखा जोखा माता रत्नों का देना था वो फिर शातलाय में आकर इन्होंने 12 साल माता रत्नों की गैया चराई और उसके गरना झाड़ी के नीचे अपना तप किया, उसके बाद फिर इधर अपना विश्व शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और इस पहाड़ी के ऊपर आ गए। कहते हैं कि सिद्ध बाबा बालकनाथ कलयुगी के अवतार हैं तथा भगवान शिव शंकर का बाल रूप हैं, क्योंकि माता पार्वती जी ने बाबा बालकनाथ को बाल रूप में रहने का वरदान दिया था, वह भगवान शंकर के दर्शन करवाए थे। भगवान शिव शंकर ने बाबा बालकनाथ को वरदान दिया था कि आप कलयुग में विभिन्न कष्टों से पीड़ित लोगों को कष्टों से मुक्ति प्रदान करोगे, वह बाबा बालकनाथ के नाम से जाने जाएंगे। बाबा के दर्शन स्तुति पाठ करने मात्र से विभिन्न रोगों कष्ट व भूत प्रेत आत्मा व भय आदि से सब मुक्ति मिल जाती है।